नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस बौखला गई है और जहां देखो वहीं दूसरी पार्टियों पर हमला बोलती नजर आती है। कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार को लताड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है कि अपनी हार का जिम्मेदार वह भाजपा को समझते हैं, जबकि इस पार्टी की आपसी कलेशों ने ही इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। वहीं राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक के विधानसभा का चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने बेंगलोर में सत्ताधारी बीजेपी पर खूब हमला किया। राहुल ने बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया है और कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बेरोजगारी और महंगाई देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी अगर चाहे भी तो भी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने रोजगार देने वाले क्षेत्रों को खत्म कर दिया है। दो दिवसीय दौरे पर आए राहुल ने कहा कि कर्नाटक सरकार सबसे भ्रष्ट है। भाजपा का उद्देश्य गरीबों से पैसे छीनना और उन्हें अमीरों को देना है। वे राष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं, लेकिन हम अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हम राष्ट्र को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के आगामी चुनावों के लिए युवाओं और महिलाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने पार्टी के लिए 150 से अधिक सीटों का लक्ष्य निर्धारित करके कर्नाटक के लिए पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की है। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए राहुल ने कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी मीटिंग की। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राज्य हिजाब प्रतिबंध, मंदिर परिसर के अंदर व्यापार करने वाले गैर हिंदू व्यापारियों पर प्रतिबंध और हलाल मांस विवाद जैसे मुद्दों पर बहस कर रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी यात्रा कर्नाटक कांग्रेस के 2023 विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। इसके पहले वह यहाँ के दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के आवास पर गए और दिवंगत कन्नड़ सुपरस्टार को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बाद कन्नड़ में ट्वीट किया कि मैंने अश्विनी पुनीत राजकुमार और प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता दिवंगत पुनीत राजकुमार के परिवार के अन्य सदस्यों के घर जाने के बाद अपनी संवेदना व्यक्त की। पुनीत ने कम उम्र में सभी कन्नड़ लोगों के लिए अविस्मरणीय यादें छोड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी जरूरी मुद्दे उठाने की है। हम अलग अलग लोगों, धर्मों, जातियों को एक साथ लाएंगे। कांग्रेस जोड़ती है और वो तोड़ते हैं। हम सबको जोड़ेंगे और साथ लेकर आएंगे। ये हम कर्नाटक में करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने अपने पिछले कामों को दोहराया और कहा कि जब हमारी सरकार कर्नाटक और दिल्ली में थी तब हमने बहुत अच्छे काम किए। हमें अपनी सरकार के रिकॉर्ड को फिर से बताना होगा कि हमने क्या किया और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।